तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आपने किसी भी सैमसंग वाले फ़ोन में फ्रेंड्स आप जो गलती से डायल कीपैड साउंड को टर्न ऑन कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको यही डायलिंग कीपैड साउंड कैसे टर्न ऑफ करना है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आपको अपने सैमसंग वाले फ़ोन में डायलिंग कीपैड साउंड को टर्न ऑफ करने के लिए सेटिंग्स ओपन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करते हैं तो गाइस आपको देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका डायलिंग कीपैड साउंड जो है टर्न ऑन है। तो गाइस आपको ऑफ करने के लिए दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो गाइस आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे अपना डायल पैड खोल ओपन करते हैं, नंबर टाइप करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको डायलिंग कीपैड साउंड जो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सैमसंग वाले फ़ोन में डायलिंग कीपैड साउंड को टर्न ऑफ कर देना। तो मैं मिलता हूँ ना इस वीडियो में। बाय बाय गाइस।